मध्य प्रदेश के सागर जिला के मालथुन तहसील क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिक्रमण विरोधी मुहिम में वन विभाग ने वन भूमि की सैकड़ों एकड़ भूमि को वन माफियाओं से मुक्त कराया, तो वहीं राजस्व की भूमि में बने ढाबा को भी जमींदोज किया गया था। मालथुन तहसील मुख्यालय पर भी अतिक्रमण के चलते जहां तहां रखे तीन टप्परों को हटवाया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाने की मुहिम में स्थानीय प्रशासन अंग्रेजी शराब दुकान मालथुन की ओर नजर नहीं दौड़ा रही है। मालथुन तहसील मुख्यालय की अंग्रेजी शराब दुकान पेट्रोल पंप के बाजू में और हाईवे सड़क के किनारे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर संचालित की जा रही है। बताया गया है कि उक्त शराब दुकान एक कांग्रेसी नेता ने शासकीय भूमि में जबरन अतिक्रमण कर दुकान बना ली थी, लेकिन तब कांग्रेस की सरकार होने से तत्कालीन तहसीलदार ने उक्त कांग्रेसी नेता को अतिक्रमण का नोटिस तो जारी किया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटवाया गया था। उसी दुकान में आज भी शराब दुकान संचालित की जा रही है और वही नेता किराया भी वसूल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है तहसीलदार सतीश वर्मा का। सर, मालथुन की अंग्रेजी शराब दुकान अतिक्रमण में है, राजस्व की भूमि में, तो इसमें क्या कार्रवाई हुई है सर? आपके यहाँ केस भी लंबित है। आपके द्वारा मुझे ऐसी जानकारी पता चल रही है कि इस तरीके से शासकीय भूमि रखी अतिक्रमण में, इसकी मैं विधि जांच करवाऊंगा और संबंधित विभाग एसआई विभाग से भी जानकारी लूंगा कि कहाँ उनके अलावा की दुकान और कहाँ पर रखी गई, उसके बाद में जो भी होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण में उन पर प्रकरण भी लंबे थे आपके न्यायालय में, तो वो कहाँ तक पहुँचा था सर? अभी मैं आप बता रहे हैं ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं दिखवाता हूँ उसको। हालांकि राजस्व न्यायालय में अतिक्रमण का मामला लंबित है, लेकिन आज तक उक्त दुकान पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकी है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की विधानसभा में जहां अतिक्रमण हटवाकर क्षेत्र को साफ और स्वच्छ बनाने की कवायद तेजी से चल रही है, वहीं स्थानीय प्रशासन दूध की दुकानों को हटाकर शराब दुकान को पनाह दे रहा है। सुरेंद्र जैन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, मालथुन।